हेलो दोस्तों, एन जस्टर्डी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट क्लास में आपको देखिए, हम लोग क्लास नंबर 10 कंप्लीट कर चुके थे। ये हमारा क्लास नंबर 11 है, ठीक है। जनरल साइंस का आप देख रहे हैं, यहाँ पे एनसीईआरटी का चल रहा है। तो हम लोगों ने दूसरा चैप्टर जो है यहाँ पर शुरू किए हैं, जो है आपका एसिड बेस, ठीक है, एसिड बेस और सॉल्ट का, ठीक है। ये हमारा चैप्टर यहाँ पर चल रहा है। इसमें हम जो है दो क्लास यहाँ पर ले चुके हैं। यहाँ पर हम जो है यहाँ पर तीसरा क्लास आई थिंक ये हमारा होने वाला है, जो कि आपका न्यूमेरिकल बेस होगा। जो भी हमने क्लास वहाँ पे देखा है, जो पहला कॉन्सेप्ट देखे थे एसिड के बारे में देखे थे, जो आपका अम्ल होता है, ठीक है। दूसरा दो देखे थे ये हम बेस के बारे में देखे थे, जो छपका क्या होता है, क्षार होता है, ठीक है। तो ये चीज़ देख चुके हैं इन दोनों पर, आज हम न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल जो आपका होगा, मतलब जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो जो आपका क्वेश्चन होता है उसको देखेंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन इसमें देखिएगा न्यूमेरिकल में आपका, कि पीएस से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके आगे हम पीएस का वैल्यू देखने, जो पीएस के बारे में जो है इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सूचक होने वाला है, ठीक है, सूचक इंडिकेटर के बारे में, ठीक है। क्या यहाँ पे होगा, तो इंडिकेटर, ये भी आपका जो है टॉपिक बहुत अच्छा है। यहाँ से भी क्वेश्चन, और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, एसिड बेस से क्वेश्चन पूछता है, सारा एनसीईआरटी बेस यहाँ पे हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने यार दोस्त को भी शेयर करिए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हम क्लास को देख रहे हैं। देखिए इसमें हम जो है इसको देख लेते हैं कि क्या इसमें आपका जो है क्वेश्चन होने वाला। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, कि जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारी होता है, ठीक है, न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारी होता है, तब यह कौन से रंग का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, जो हम अभी जो अभी तक इस चैप्टर का एसिड बेस और सॉल्ट का जो चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट देखे हैं, वो हमारा एसिड देखे हैं और बेस देखे हैं, ठीक है। एसिड और बेस, ये दो जो है हमने यहाँ कॉन्सेप्ट देखा है। इसके बाद देखिए, जो लिटमस को आपका जो होता है लिटमस विलयन किस तरह से क्या होता है, ठीक है, या आपका इंडिकेटर है, पीएस वैल्यू है, तो उसको जो हम इसके बाद से देखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर चिंता करने की जरूरत नहीं। तो लिटमस विलयन जो है अम्लीय और से क्षारी होता है, तब ये कौन सा रंग देता है, तो ये देता है आपका बैंगनी, ठीक है। इसको और अच्छे से हम आगे देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में हूबहू ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को, आप प्रीवियस ईयर उठा कर देख लीजिए, आपको क्वेश्चन इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। एकदम वही कॉन्सेप्ट जो है, वही क्वेश्चन रहता है, आपको एग्जाम में एकदम हूबहू वैसे पूछता है, ठीक है। थोड़ा सा और घुमाना हो तो घुमा देगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन हम देखते हैं एक ही तरह होता है। तो पूरे क्वेश्चन को देखेंगे, आपको काफ़ी यहाँ पर लाभ होगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बैंगनी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए कि आपको दिया गया कि विलयन के किस आयन के निर्माण के कारण पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे, अब देखिए ये क्वेश्चन है, जैसे कि हम जो है दो कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, अम्लीय और अम्ल और क्षार के बारे में। तो आपका कह रहा है कि विलयन के किस आयन के निर्माण के कारण होता है, पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होता है, मतलब एसिडिक होता है। आपको पता है कि एसिड में क्या होता है, एसिड में आपका एक तरफ आपका एसिड होता है, एक तरफ आपका क्या होता है, बेस होता है। तो ये आपका अम्ल है और ये बेस है, तो अम्लीय कह रहा है। तो अम्लीय में क्या होता है, एच प्लस आयन देता है, और बेस में क्या होता है, ओ एच माइनस आयन देता है, ठीक है। ये आपका धन आयन होता है, इसके अलावा कोई धन आयन नहीं होता है, और इसमें ऋण आयन होता है ये, ठीक है। और इसके अलावा कोई इसमें ऋण आयन नहीं होता। आपको पहले कॉन्सेप्ट बताए थे एसिड के बारे में, जो अम्ल के बारे में पढ़े थे, तो यहाँ पे अम्ली होता है किसके कारण, एच प्लस आयन। देखिए यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। सेम ऐसे क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन रहता है। जब आप पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे हमारी वीडियो को पूरा, अगर आप देख रहे हैं, आपको एक एक चीज़ है, हम आपका जो है उसको जो पीडीएफ भी देते हैं डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। तो एक एक चीज़ आप जब देखेंगे तो आपको ज़्यादा यहाँ पे काफ़ी लाभ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एच प्लस आयन जो है इसके वजह से अम्ली यहाँ पे होती है, ठीक है। उसकी प्रकृति किस प्रकार की होती है, एच प्लस आयन के कारण वो एसिडिक होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद से देखिए, ये आपका जो अगला क्वेश्चन है कि अम्ल तथा क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल यहाँ पे प्राप्त होते हैं, इस अभिक्रिया को कहते हैं। देखिए कारा की अम्ल और क्षारा की अभिक्रिया, मान लीजिए आपका यहाँ पे, देखिए इसको भी हम आज ही जो आपका क्लास, जो इसके पीछे जो हम नेक्स्ट क्लास जो देखे थे, ठीक है, कल वाले वीडियो में, उसमें हम इसको देखे थे कि एसिड और बेस यहाँ पे रिएक्शन कर रहा है, तो क्या बनता था, ये आपका सॉल्ट बनता था, लवण बनता था, और क्या बनता था, वाटर बनता था, ठीक है, H2O। तो यहाँ पे ये आपका सॉल्ट और लवण, यहाँ मतलब सॉल्ट बन रहा और वाटर बन रहा प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की पूरी जो रिएक्शन होती थी, क्या होती थी, न्यूट्रलाइजेशन, उसको कहते थे, उसको क्या कहते थे, न्यूट्रलाइजेशन, यहाँ पे उदासीनीकरण, ठीक है, उदासीनीकरण, ये आपका अभिक्रिया होता था।
कि एसिड और बेस के होने के बाद से पूरी तरह से क्या हो जाता था, समाप्त हो जाता था। ठीक है, जब सेकेंड वाला क्लास देखेंगे उसमें हम इस चीज़ को बताए हैं। ठीक है, तो पूरी तरीके से अभिक्रिया समाप्त हो जाती है और क्या होता है वहाँ पे सॉल्ट और वाटर प्राप्त होता था। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन में यहाँ पे ये आपको बताया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। ठीक है, तो अच्छे से आप जो है पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद से जो आंसर देने की कोशिश करिए, आपको ज़्यादा वहाँ पे फायदा मिलेगा। ठीक है, अगला देखिए कि निम्न में से कौन सा क्षार नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कौन सा क्षार नहीं है, मतलब बेस इसमें से कौन नहीं है, आपको ये बताना है। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी आपका यहाँ पे क्षार है। ठीक है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड NH4OS कल जो कल का वीडियो देखे थे उसमें हम आपको पूरा बताए थे, लेकिन जो ये आपका है एथिल एल्कोहल ये आपका क्षार नहीं है। ठीक है, क्यों, अगर यहाँ पे क्या करेंगे आप देखेंगे OH- है, इसलिए आप क्या करेंगे OH- जो है आपको देखते हुए कहेंगे ये आपका क्षार है, लेकिन ये क्षार नहीं है। ठीक है, C2S5 ये आपका क्षार नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी सब ये क्या होगा, यहाँ से बनता था NH4+ और प्लस OH-। ठीक है, और ये आपका K+ और प्लस OH-। ठीक है, और ये आपका Na+ और प्लस OH-। ये क्या होता था, सब आपके बेस हैं। ठीक है, बाकी ये आपका बेस नहीं है, ऑप्शन नंबर डी एथिल एल्कोहल। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, कि ये क्षार नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए शुद्ध जल का pH मान होता है। ठीक है, तो शुद्ध जल जो होता है प्योर वाटर, ठीक है, उसका क्या इतना होता है आपका pH वैल्यू। देखिए pH का अभी आपको बताए हैं कि कुछ pH का क्वेश्चन भी मिल जाएगा, इंडिकेटर का भी मिल जाएगा। ठीक है, इसका तो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा हो जाएगा, तो उसको थोड़ा देख लीजिए। जैसे pH का शुद्ध जल का क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 7। ठीक है, आज हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, आप देखिएगा जब भी रेलवे का एग्जाम होगा या प्रीवियस ईयर उठा लीजिए, ये क्वेश्चन आपको जो है पूछा गया है चैप्टर में, जो आपके प्रीवियस ईयर का पेपर है उसमें पूछा गया है, ये आपका NCERT का क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन रहता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहता है, आपको बस केवल क्लियर आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। तो pH शुद्ध जल का pH वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, और pH वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, अगर pH वैल्यू की बात करें तो आपको कहाँ से कहाँ होता है, ये होता है ये 0 से लेकर 14 के बीच में होता है pH वैल्यू, यहाँ पर कहीं 7 होता है। ठीक है, इधर से अगर आप जितना इधर आएंगे तो ये आपका अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, ये अम्लीय प्रकृति का होता है, 7 से अगर आगे जाएंगे तो आपके क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का। अभी इस पर क्वेश्चन हम देखेंगे आगे। ठीक है, तो इधर से 7 से जितना ही कम आते हैं उतना एसिडिक होता जाता है, 7 से जितना ज़्यादा हो जाता है तो आपका बेसिक नेचर का होता जाता है, और यहाँ पर क्या होता है 7 जो होता है ये आपका उदासीनीकरण ये आपको दर्शाता है। ठीक है, उदासीनीकरण मतलब न्यूट्रलाइजेशन ये होता है। ठीक है, मतलब न्यूट्रल होता है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे शुद्ध जल का pH वैल्यू कितना होता है, 7। अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन में उपस्थित है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जलीय विलयन में, तो यहाँ पे जो आपको कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, HCl। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, मीन्स इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको कहते हैं, तो इसका जलीय विलयन मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा H2O। इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन रहा था, जब हम बेस जब पढ़ रहे थे उसमें हम देखे थे ये क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन H3O+ बनता था, और यहाँ पे आपका क्या बनता था OH-। ठीक है, सॉरी ये आपका हो जाएगा Cl-, यहाँ पे क्लोरीन आयन, तो ये आपका बनता है हाइड्रोनियम आयन H3O+। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा H3O+ और क्या बनेगा Cl-, ये आपका यहाँ पर निकल के आएगा। ठीक है, H3O+ क्योंकि HCl बना रहे हैं यहाँ पे, तो आपका क्या बनेगा, ये हो जाएगा H3O+ और Cl- क्लोरीन आयन बनता है हाइड्रोनियम आयन। तो इसको जो है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो है हमने आपको पहले ही बता चुके थे इसको। ठीक है, कि रिएक्शन करके ये क्या बनाता है, H3O+ बनाएगा और Cl- बनाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कि हमारे उदर में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक अम्ल है, HCl है, और ये है HCOO। ठीक है, ये कहाँ हो जाएगा आपका, HCl हो जाएगा। ठीक है, हमारे जो उदर में जो उत्पन्न होता है ये होता है HCl, इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक, देखिए इसको जो आपका जो ये आपका फार्मूला है ना, मतलब यहाँ से पूछता है केमिकल जो है फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो इस मान लीजिए इसका नाम क्या है, तो इसका नाइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है। इस तरह देखेंगे आपको जब क्वेश्चन करिए तो इसको भी जानने की कोशिश करिए, आपको पहले ही बताए थे क्यों, क्योंकि देखिए आपके एग्जाम में ये भी आपको जो है पूछा जाता है। ठीक है, डायरेक्ट पूछ देगा कि इनमें से नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला क्या है, ठीक, रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है,
एथिल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है, फार्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है, सिट्रिक एसिड अभी सिट्रिक एसिड देखेंगे उसका क्या होता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछता है, अगर बहुत टफ में जाना हो तो आपको क्या करता है वहाँ पे जो है स्ट्रक्चर दे देगा, बहुत आपको टफ में जाना। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं एथिल एल्कोहल का C2H5OH है, ठीक है। तो इसको एक तरह से और भी लिखते हैं यहाँ पे, अगर C2H5 को देखें तो ये हो जाएगा CH3CH2OH, ठीक है। अब इसका कहेगा मतलब वहाँ पे आपको दे देगा संरचना बताइए, ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर क्या होगा। तो ये हो जाएगा CH3CH3CH2 और ये OH, ठीक है। यहाँ से आप कर सकते हैं, मतलब अगर चाहें तो यहाँ से क्या कर देंगे इस तरह, इसको एक बॉन्ड और यहाँ पे OH कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन हो जाता है, यहाँ हाइड्रोजन बैठ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और इस पर कितना होता है लोन पेयर, दो लोन पेयर होता और ये आपका हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा एथिल एल्कोहल का जो है यहाँ पे संरचना हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको अगर टफ क्वेश्चन बनाना हो तो कहेगा कि ये स्ट्रक्चर किसका है, ठीक है, या इनमें से एथिल एल्कोहल का स्ट्रक्चर कौन है। बहुत टफ अगर बनाना हो क्वेश्चन तब, हालांकि हमने इस तरह का क्वेश्चन बहुत रेयर देखा है, लेकिन हो सकता है अगर टफ बनाना हो तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा, ठीक है। कुछ आपका जो कंपाउंड होता है, जो आपका कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड होते हैं, ठीक है, वहाँ से भी बहुत मतलब बहुत टफ वो तो वहाँ पर हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको ये सब आना चाहिए, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, जिसको कहते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं तो केमिकल बॉन्डिंग में रासायनिक बंध जो होता है तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में आप जानते होंगे, तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर के जो है उसको फॉलो करके यहाँ पर हम जो है इसको करते हैं, ठीक है। तो जब भी इस तरह का होगा हम आपको जो है यहाँ बताते रहेंगे। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा यहाँ पे उधर में कौन सा अम्ल होता है, तो ये होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, उस बिलियन का पीएच क्या होगा जो लाल लिटमस को, सॉरी यहाँ पे नीला हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे नीला हो जाएगा, लाल लिटमस को क्या नीला कर देता है, ठीक है। तो जब भी उस पीएच वैल्यू क्या होता है, लाल लिटमस को जो नीला करता है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 10 होता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और लाल लिटमस को नीला किसमें, उसका पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है, उसको याद रखेंगे। आगे हम और भी सारे क्वेश्चन देखेंगे, किसी भी उदासीन विलयन का को पीएच का मान क्या होता है उदासीन। तो यहाँ पे जो न्यूट्रल होता है आपको हम बताए हैं जो पीएच वैल्यू होता है 0 से लेकर 14 के बीच में होता है, ठीक है, 0 से 14 के बीच में कहीं ना कहीं आपका क्या होता है, ये 7 होता है, ये आपका क्या होता है, ये होता है उदासीन, ठीक है, ये आपका उदासीन होता है। इधर से इधर जाएंगे तो ये आपका क्या होगा, ये हो जाएगा क्षारीय, ठीक है, और जब इधर आएंगे तो ये होता है आपका अम्लीय, ठीक है, एसिड होता है, ये आपका बेसिक होता है। तो जब आप कह रहा है कि उदासीन विलयन का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा, आगे और भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक जलीय विलयन लाल लिटमस को, ठीक है, लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो किसकी अधिक मात्रा डालने पर यह परिवर्तन उल्ट जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, ठीक है। एक जलीय विलयन है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है, तो किसकी अधिक मात्रा कर देंगे, तो ये जो आपके जो प्रक्रिया है, ठीक है, वो आपको क्या हो जाएगा, उल्ट जाएगा। तो यहाँ से मीठा सोडा, चूना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, NH4OH है, और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जो आप डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्रिया जो है आपका उल्ट जाती है, मतलब उल्टा हो जाती है, ठीक है, HCl हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए एक विलयन का पीएच मान 3 है, तो विलयन होगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है एक विलयन का जो पीएच वैल्यू है वो 3 है, तो आपको हम बताए हैं कि क्या होता है 0 से 14 के बीच में यहाँ पे होता है आपका, ठीक है, पीएच वैल्यू जो होता है 0 से 14 के बीच में होता है, बीच में क्या होता है 7 होता है, 7 से जितना कम आएंगे ये आपका एसिडिक हो जाएगा, ठीक है, ये एसिडिक होगा, 7 से ज़्यादा जाएंगे तो ये आपका क्षारीय हो जाता है, बेसिक हो जाता है, ठीक है। तो 7 से कम यानी 6, 5, 4, 3 जितना आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर दिया है 3 है, तो 3 है तो क्या हो जाएगा, अम्ली हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ये हो जाएगा अम्ली, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, दांत साफ करने के लिए प्राय टूथपेस्ट की प्राकृतिक किस तरह का होती है, ये होती है क्षारीय, ठीक है, ये आपका क्षारीय होता है, इसको याद है, क्षारीय होता है, बेसिक होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बेसिक होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बेसिक। दांत साफ करने के लिए प्राय टूथपेस्ट की प्राकृतिक क्या होता है, बेसिक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कि दांतों के इनेमल दंत बल्क में कौन सा पदार्थ होता है, तो इसमें क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट होता है, ये होता है आपका कैल्शियम फास्फेट, ठीक है, ये होता है कैल्शियम फास्फेट। इसका फार्मूला क्या होता है, Ca3PO4 होल ट्वाइस, ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है Ca3PO4 होल ट्वाइस, ये होता है आपका कैल्शियम फास्फेट, ठीक है।
तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका, कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कैल्शियम फास्फेट। दांतों के जो इनेमल होते हैं दंत वर्क में कौन सा पदार्थ होता है, तो ये होता है आपका कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है किसमें पाया जाता है आपको, सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, टमाटर में, खट्टे आपके दूध में और इमली में, संतरे में, किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है संतरा में। संतरा में आपका क्या पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल यहाँ पे संतरे में पाया जाता है। ठीक है, और सिट्रिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, ये होता है सी एच ओ, यहाँ पे ये हो जाएगा सिक्स, ये सेवन, ये एच, ठीक है, सी सिक्स और एच एट ओ सेवन। ठीक है, ये होता है आपका सिट्रिक एसिड। ठीक है, सिट्रिक एसिड फॉर्म की आपका फार्मूला होता है सिट्रिक अम्ल, सी सिक्स एच एट ओ सेवन। ठीक है, उम्मीद कर, ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है अगला है कि क्षारीय बिलियन का पीएच क्या होता है। ठीक है, तो क्षारीय बिलियन जो होगा आपको हम अभी बताए हैं पीएच वैल्यू कहाँ से क्या होता है, जीरो से लेकर चौदह के बीच में होता है। ठीक है, ये जीरो से चौदह, तो यहाँ पे क्या होता है, ये सात होता है, ये न्यूट्रल होता है, तो क्षारीय बिलियन जब भी जाता है सात से ज्यादा होता है, ठीक, तो वहाँ पे क्या होता है आपका क्षारीय होगा, तो क्या हो जाएगा सात से अधिक, जो सात से अधिक अगर पीएच वैल्यू होता है, वैल्यू क्या होता है क्षारीय होता है। ठीक है, सात से अधिक, तो ये आपका आंसर अभी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए, और इस तरह के जो भी आपका जो अगला जो क्लास होगा हम अगले क्लास में देखें, तब तक थैंक यू सो मच।